जोहार दोस्तों, और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि शिक्षक बहाली और जो सिपाही बहाली निकला है वो हम लोगों को टॉर्चर करने के लिए निकला है। मैं बता रहा हूं कि तमाम छात्रों को टॉर्चर कर रहा है। शिक्षक बहाली का पहले बात कर लेता हूं, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों से आग्रह है कि अगर यदि कल जो है हाई कोर्ट से निर्णय आया कि सी टेट और दूसरों राज्य से जो टेट पास है लेकिन झारखंडी है तो उसको फार्म भरने दिया जाए, ठीक है, हाई कोर्ट का एटी है, सम्मान करते हैं, भरा दिया जाना चाहिए। लेकिन उसके पहले वो या उसके बाद में कल ही के डेट में ये बोलता है कि परीक्षा जो सहायक शिक्षक का है वो 12 तारीख से। अपने में कितना विरोधाभास है सो सुनिए। इधर डेट निकल रहा है परीक्षा का और उधर आदेश दिया जा रहा है हाईकोर्ट के द्वारा कि सी टेट को और बाकी भी दूसरे राज्य से पास टेट को भी यहां पर दिया जाना चाहिए, उन लोगों को फार्म भरे। अब वो फार्म भरेगा कि हमार परीक्षा होगा, सो पहले बता दीजिए इस बात को। ये पहले भी ये सरकार का बता रहे हैं ना, कुछ नहीं, कुल मिला करके ये यही चाह रहा है कि ऐसे ऐसे जैसे वो गिरफ्तारी से भाग रहे हैं वैसे ही वो नियुक्ति से भी भाग रहे हैं। ऐसे चीज में फंसा देना है। और सिपाही का बहाली निकला, सब लड़का सोचते रहा कि सिपाही बहाली निकलेगा, सिपाही बहाली निकलेगा। अब सिपाही बहाली आया जिला स्तरीय का, तो वहां पर ये कहिए ओबीसी नील, जनरल नील। अब ये नील हो गया तो सब तो लड़का का जिंदगी नील गया, ये सभी छात्रों का जिंदगी नील गया। अब जो है सिपाही बहाली में हम किसी का सम्मान और अपमान की बात नहीं कर रहा, आप बताइए कि ये जो है से पुनः हाईकोर्ट जाएगा और क्या लिखा है आप अपने समझिए कि अगर आप फार्म भरने में गलती कर जाते हैं और हम लोग के पास आ जाएगा जेएसएससी के पास में तो फिर से आपको फार्म भरने का मौका देगा, यानी जिंदगी भर फार्म भरते रहिए, परीक्षा नहीं होगा, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, पढ़ पढ़ करके मरते रहिए। और ये जो अब लड़का लोग क्या करेगा जो सिपाही बहाली के लिए, अब 12-12 जो है जिला में जहां तक नील कर दिया गया है ओबीसी और जनरल लड़कों को, अरे भैया हम किसी को ये नहीं करें। सिपाही बहाली जो है अगर सरकार को लेना है तो ढंग से ले, और यहां का लड़कों भी वचने है ये, फिर भी ये सरकार के प्रति या जो उस सरकार के प्रति एकदम हे आप करते रहेंगे, तलवा चाटते रहेंगे। मैं बता रहा हूं पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। और सबसे बड़ी बात है जब ये जिला स्तरीय नियोजन है, जब जिला स्तरीय नियोजन है तो फिर बाहर वाला कैसे भरेगा जी, जब जिला स्तरीय नियोजन है तो जिला स्तरीय नियोजन में जो है या तो एसटी रहेगा, एससी रहेगा, ओबीसी रहेगा, ईडब्ल्यूएस रहेगा, यही ना रहेगा, तो बाहर से इसमें आने की कहां जरूरत पड़ती है। ये सब सारा और सिपाही बहाली का जो सिलेबस दिया है, आप बात करिए, पहला पेपर पढ़ दिया कि कोई रीजनल वाला रहेगा, अगर हम हिंदियों दे दिया, जब रीजनल का बात है तो फिर आपको उसमें रीजनल, इन लोगों को यह भी नहीं पता है हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमार मातृभाषा का हम ओकरा से नहीं कर रहे लिए, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है ओकरा, फिर तो एकरा में नहीं काहे जोड़ रही, रीजनल लैंग्वेज में हिंदी काहे जोड़ करो, रीजनल लैंग्वेज मैंने 9 क्षेत्रीय भाषा होवे से होवे, चाहे तो खोरटा रहे, नागपुरी रहे, कुरुख रहे, संथाली रहे, कुरमाली रहे, जे भी है वो भाषा के रख। और जे ओकर सेकंड पेपर में कहल गेल है जीके जीएस रहते, रीजनिंग रहते, साइंस रहता है, झारखंड कहां गला है, झारखंड में नौकरी करता है तो झारखंड के नकरा सिलेबस पढ़ाई चाहिए।
आज जब जिला स्तरीय नियोजन है तो बाहरिया कैसे भरते, जब जिला स्तरीय नियोजन है तो टोटल सीट तो यहाँ का हो गया, क्योंकि या तो यहाँ ST है, या तो OBC है, या तो बाकी कोई SC है, या तो EWS है, बाकी यहाँ है कि यहन है भैया चार कैटेगरी, तो फिर जनरल के कहां से, बाहरी कहां से। ये चीज ये है पूरी तरह से घोर मठा। आप यहां पर जनरल में सब जो है बाहरी ढूंढ चुका लग पुरुष में नहीं, अपनी महिलवा के ढुकवे खाती ले जेनिया बाहर में रहो ना, जेनिया वहां रोल है और यह नौकरिया यहां का रोल है, तो यहां रहते रहते एकरो कुछ कमाई चाहिए ना, तबरी जेनियन के ढुकाए दे। अबरी जो है से बाहर पुलिसवा में पुरुष एवे कर ले है, अबरी जेनियन मर्दवन तो या गलती, अब जेनियन कैसे टका कमाए भाई, तो जनरल में जेनी के लाम और कहा बाहरी का लाम, जनरल कैसी कर दे उठुक जी, तब मर्दवो अर्जेनियो सब नौकरी करता तो ताली बजे झारखंड के लड़का, हमारे ST में रखाओ, हमारे OBC में रखाओ, गुमला में 2 सीट, गुमला में 2 पुलिस के जरूरत है, यहां लोहरदगा रहे हमारे कोडरमा, हमारे गिरिटी नील वहां OBC है, ये रखाओ कोडरमा, हम कोनो रीजन में बता रहे बाहर रांची नील, बहुत सारा जिला है जहां OBC लड़का नील, तकर बाद अब अपने तोहनी फैसला कर कि ये चीज की हो रहा लो कि ना हो रहा लो, तोहनी के समझा के मर जी भाई, कुछ कर जी भाई, कुछ कर जी भाई, आपस में लड़ो या भी तो मजा आए, तो अभी आपस में लड़ा करके मार देगा, ये नौकरी नहीं देगा, आपको बता रहा हूं ये नौकरी नहीं देगा, ये लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, और क्या कहेगा, हम 1932 ला रहे थे ना, हम 1932 ला रहे थे, और 32 लाने के चक्कर में ये 32 जो गवर्नर फेल कर दिया और गवर्नर वापस कर दिया, हमने फिर से 32 दिया, तो यह सांप और बाकी को थी वह सीढ़ी के खेल खेलते रहा, चूहा बिल्ली के खेल खेलते रहा, एक बार की जो एक बार की या, एक बार की जो एक बार की या, आ कहेगा हमारे खून में 1932, तो खून मरा रहा 32 की फायदा, नौकरिया हमने के होता तबन हो, तो 32 की करिए हमने, ककरो यहां पर OBC के दलही तो बहुत जब 60-40 आ रही से, ये जब सिपाही बहाली है या शिक्षक बहाली, फिर यहां बाहरी जब जिला स्तरीय नियोजन है, तो बाहरी के कहां से यहां जगह मिलते, ये बाहरी के जगह कहां है, लेकिन यहां पर बाहरी तो दूर पाता, हमारे झारखंडिये के कुछ न खाओ, यहां के OBC जनरल सब भीतरे जो सब न खाओ सीट, खाली आप महिला कहता हूं और वह थी मैंने ओकरा में ये सब कर लेते, जैनी मरद नौकरी कर तू बदमाशी कर भी पीटे भी और की कर भी, ये चीज ये है अभी तोरा बता रहा हूं, शिक्षक बहाली के ठीक टेट पास जो है, टेट पास ठीक लड़ाई पास कर रहा है, वो जो टेट पास पारा शिक्षक है उसकी लड़ाई बहुत बिल्कुल सही है, वो जान रहा है कि ऐसे 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 चलते चलते मेरा जिंदगी बर्बाद कर देगा इसे झारखंड सरकार, इसलिए जो टेट पास है उसका सीधी नियुक्ति दो, वो ठीक है बोल रहा है, 13,000 टेट पास है पारा शिक्षक और 13,000 आप सीट भी दिए, हमारा बहाली करिए सीधे करिए, ये चीज जो है उन लोगों की मांग बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लोग जो है फिर अभी सीट टेट वाला भर देते से, जो बाहरों सब जो है टेटो वाला भर देते, जे भी भगवान है हम ककरो अगर झारखंडी है तो हम विरोध ना करिए, ओकर बाद में कर रही है कि ये सब सारा चीज करके ओकर जिंदगी, ये खाली फार्म भरो अभी तक इतना दिन से वो भराया, एक तो टकवा जो है से देता है 25,000 यहो घटा करके, और 13 नतीजा करब करो, 13 नतीजा पुलिस के बहाली, 13 नतीजा और एकरो बहाली, 13 नतीजा और लास्ट में नहीं ककरो बहाली ना होता, हम तोरा बता रहा आय एकर में सबके सोहा कर देते, ये हम समझ गए, ये खाली
वा पीठ थपथपैता है कि हम 32 खतियान वाली है। अभी जानो बहुत लड़का लोग कह रहा है कि बाप रे बाप, ये बहुत भारी गलती भले जे ये सरकार के चुनलियो बाप। अभी सब लड़का फोन करके कह रहे ये मनोज भैया बड़ी गलती भलो भैया, ये सरकार के चुन के इतना बड़ा हम गढ़ाम गिर जीब, हम फांसी लगा के मर जीब, लेकिन ये सरकार नरे बाप सब तरह से। आर यहाँ परीक्षा होला, ये परीक्षा होप करो जितना से किरण सेटिंग होप करो से तोहनियो जान रही तोहनिये कह लिये हमारा, हम ना कह रही आज जकर हो रहा है वो जान रहा है। सबसे बड़ी बात है हो रहा है वो जान रहा है, ओकरो मंदर में दर्द है वो जानो है, लेकिन वह कोई की करिए हम अब कहिए की करबी। सारे लोग जो है सबको जानब करो है कि किरण एकर बहाली हो रहा है, परीक्षा पहले भी बहाली में किरण सेटिंग गेटिंग हो, परीक्षा के बादो की हो है से हो चल रहा है ऑफिस में। ये सब के आरोप हमरा जगह आलो भैया अभियो कुछ कुछ हो है, कहिए देख कुछ कुछ हो है सेकर बारे में मत बताओ हमरा, अगर तुहनी के हिम्मत हो तो कोर्ट में फाइल कर और की कर भी? हमारे पास में कोई आप शक्ति नहीं दिए हैं जो हम आपको ले जा करके आपका अति कर दें। यहां पर तो करियो ने बहुत मतलबी लोग है जेकर मतलब खत्म हो गला तो आप लात देख के भगा देते हो, यह सरकारो कर रहा लो तोरा जगह ओकर मतलब खत्म हो गला तोरे दिल को तू कर रहे वो वह कर रही तोरा जैसे जब मनोज जादव की कोई रोज लड़िन रोज मरहीन। अच्छा तोरा संभव हम रोज लाठी खाइए और तो भाई जी भी हम जेल जिये तो दखल नहीं जी भी हम की करिए से बताओ, जखने हम जेल जा लिए तखने तो नहीं के कारवाल यदि बन जीते है आज हमारा जेल जाए में कोई दिक्कत ना है, जब गेल हलिए दो दो बार की तीन तीन बार की तखने कोई हिजड़ा पनी दिखल गए, सारा हिजड़ा पनी दिखाया नहीं गया मिलने नहीं गया छोड़ाने मनोज यादव को। तब पढ़ो पढ़ो मनोज यादव लड़ो, हमरा नौकरी चाहिए मनोज यादव केस खाइए, ऐसा भड़ुआ भड़ुआ लोग भी है का कहें आपको, आप साथ दीजिएगा तभी तो आप ही बताइए ना, आपके पिताजी आपको नहीं पढ़ाते तो आप कैसे नौकरी करिएगा। आप मेरे गार्जियन के समान है, जितने छात्र हैं मेरा गार्जियन, हम भले आपका गार्जियन है बड़े हैं लेकिन हम आपको गार्जियन मांगते हैं, जब हम लड़ते हैं जब हम जल जाते हैं तो आप मेरा साथ दीजिए, अब साथ दीजिएगा तभी तो हम आपको लड़ेंगे आगे बढ़ के लाठी खाएंगे आगे बढ़ करके जेल जाना होगा जाएंगे, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग लड़ने के लिए तैयार। यहाँ पर तो सबको भंजवल तैयार है तू तोनी के, यहाँ बता रहे नौजवान पूरी तरह से बहुत लोग बाहरी सब लोग वह जाल बिछा करके रखा है और उसी में फंसते जा रहे हैं। आप धीरे धीरे बता रहे पूरा यहाँ अधिकारी बाहरी था मंत्री बाहरी हो रहा है, अब आप लोगों को और सिस्टम सब बाहरी लोग कैप्चर कर रहा है और आप धीरे धीरे गुलाम हो जाइएगा, कहने को झारखंडी रहिएगा लेकिन आपकी मानसिकता यही रहता है कि बाहरी सही हमार नौकरिया दिया दे गोरन ओकरे पाछा लाग ओकरे पाछा लाग, ये वाला मत करो मेरे दोस्त। अगर यदि करना है तो सही बता रहे, ये दोनों बहाली लटकेगा, अभी हम बोल रहे हैं फार्म भरेगा फिर अभी सीटेट वाले और वह सिपाही बहाली भरो रे भरो भरो कहियाल पूरा होगा भगवान जाने। तमाम छात्रों से कह रहे हैं हम लोग एक इसके लिए एक स्पष्ट रणनीति बना रहे हैं, जब ऐसा होगा तो हम आप लोगों को सूचित करेंगे, क्योंकि ये सिपाही बहाली और ये जो शिक्षक बहाली है ये पूरी तरह से सिर्फ टाल मटोल के कि दे दलियो ना पतरिया बिछा दल को खाना ना मिलते, पतरी बिछा दल को खाना ना मिलते, बैठा रहा पतरिए लेकर फार्मा भर दिलिए फार्मा भर दिलिए किताबा ले लो ये किताबा ले लो ये फलना कोर्स पढ़ लो ये पढ़ लो पढ़ते रह, बाकी की होते उसे भगवान जानो। आप लोग को हम बोल रहे हैं ये चीज सारा चीज जो है सर लड़का लोग हमको बोला भैया सिपाही बहाली हमने के दिल तोड़ दल को ये की करिए, तो बोल ना भैया एकदम एक वीडियो चाहिए। मैं आपको तमाम लोगों का स्वागत करते हैं, जो भी सिपाही बहाली या शिक्षक बहाली कर रहे हैं आप लोग फार्म भरिए, सबको भरते रहिए सब लोग फार्म जितना हो सके फार्म भर दीजिए, 100-100 टका दे करके दे दीजिए पूरा, सरकार को बड़ी टका की कमी है, कहे कि बड़ी पैसा ओकरा कमी है, पैसा दे दीजिए
परीक्षा हो चले हो, 8 साल से परीक्षा सीटीएल का फार्म भर रहे हैं ना जी, 1000 दिए, 800 दिए, 500 दिए, 100 दिए, दिए ना एक तरी देते रहो देते रहो देते रहो, सब कोर्स खरीद के पढ़ जा, सब कोर्स पढ़, सब पी जा पी जा पी जा, तेकर बाद में जा पीजे खाते रह जा। तमाम छात्रों से आग्रह करते हैं, हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई बराबर लड़ता रहूंगा। धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।